हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश, इंडियन एवरीवेयर में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। ये है जगह जहां हॉस्टल में जो गबाला में रुका था, और इस हॉस्टल में साथ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो चलिए ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। यू ब्रेकफास्ट करना पे देखिए कुछ चीज है, ब्रेड है और अंडे हैं और चाय कॉफी रखा हुआ है। ये दो प्यारे से बच्चे हैं हॉस्टल के ओनर का, और देखिए फोटो खिंचवाने के लिए कैसे एकदम स्टिल पोजीशन पे खड़े हैं ये लोग। ब्रेकफास्ट तो कर लिया, आप यहाँ से निकला जाए। उसके पहले मैं दिखा दूँ कि इनके ना बागान में बहुत सारे फल हैं। एक एप्पल का भी पेड़ देखा, मैंने देखा अभी कुछ देर पहले। इनकी घर से कोई महिलाएं आई, एक पॉलिथीन भर के ले गई तोड़ के। ये भाई अपना हॉस्टल का रूम था, तीन बेड थे, इधर बंक बेड नहीं थे, इधर एक टेबल और यहाँ टीवी भी था और किचन भी था। तो फाइनली हॉस्टल को कर दिया बाय बाय। और ये देखिए, ये है यहाँ एक लोकल इलाका, काफ़ी सुनसान है। बस स्टैंड यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर है। तो इसी रास्ते में मैं आपको पूरा गबाला शहर भी दिखाते हुए चलूँगा। जो हॉस्टल में मैं था ना, उसका पड़ा मेरे को 30 मनात booking.com में सबसे सस्ता यही था। 30 मनाथ में तो मैं बाको में 3 दिन रहता था, लेकिन एनी हाउ छोटा इलाका है, टूरिस्टिक इलाका है, इसलिए रेट ज़्यादा रहते हैं इस जगह सब जगह पे। यहाँ का सुपरमार्केट जिसका नाम है पार्क मार्केट, रात को मैं भी आके यहाँ से कुछ खाने पीने का और पानी का लेकर गया था। तो ये है यहाँ के लिए बोलिए तो सबसे बड़ा सुपर मार्केट दिख रहा होगा। इस साइड एक छोटा सा पार्क है जहाँ पर लोग बैठते उठते हैं, खेल कूद करते हैं बच्चे। यहाँ पर ऐसे नहीं, छोटे नहीं बड़े भी होटल हैं। देखिए काफ़ी बड़ा एक होटल है जिसका गबाला होटल नाम है। बहुत कारें आपको दिख जाएंगे जो रसिया के ज़माने के, देखें लेकिन मस्त दौड़ती है। फिर आ गया हूँ, ये है यहाँ का मेन मार्केट सेंटर। बहुत सारे आपको दुकानें दिख जाएंगे, यहाँ कार पार्किंग और लोग अपने काम वाम पर जा रहे हैं। काफ़ी सुंदर सा बिल्डिंग है, पता चला कोई पुलिस का है ऑफिस, लेकिन लैंग्वेज बैरियर बहुत है यहाँ। मैं आपको ना बताने लगा हूँ कि अजरबैजान में घूमने का थोड़ा दिक्कत क्या क्या है। बाको में क्या है, इंटरसिटी बस चलती है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन आप बस में आराम से जा सकते हैं। कि बाको से आप जहाँ बाहर निकले तो डोमेस्टिक माने जो बस सिटी के अंदर बसें चलती हैं, ऐसी बसें नहीं हैं। तो आपको एक अट्रैक्शन से दूसरे अट्रैक्शन पर जाने के लिए ऊबर बोल्ट ओला ये सब करना पड़ेगा। तो बड़ा खर्चीला सौदा है ये, क्योंकि एक अट्रैक्शन तक की जगह तो होते नहीं है, एक यहाँ होता है और कुछ दूर पे होता है। इसलिए यहाँ पे टूर ऑपरेटर्स हैं जो बाको से ही ऑपरेट करते हैं। तो आप आ रहे हैं तो टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जाइए, खुद से करने जाएंगे तो आपको महंगा भी पड़ेगा, आपको दिक्कत भी आएगी। और सबसे बेस्ट है यदि आप कार रेंट कर सकते हैं, कार रेंट कर सकते हैं तो यदि बेस्ट है। मैं अकेला था तो कार रेंट नहीं किया, क्यों, रसल भाई भी आने वाले थे, लास्ट मोमेंट में किसी कारण से नहीं आ पाए तो कार बुकिंग भी कैंसिल कर देना पड़ा। ये एक बस स्टैंड जैसा बना हुआ है, लेकिन जब बस चलती ही नहीं है तो बस स्टैंड किस बात का। अभी ना धूप निकल गया है तो गर्मी लग रहा, लेकिन रात को ना काफ़ी ठंडा हो जाता है यहाँ पर, गर्मी के दिन में भी काफ़ी ठंडा। मेरे को तो दो दो ब्लैंकेट लेके सोना पड़ा, इतना ठंडा है, और पानी भी एकदम ठंडा हो जाता है। दुकान है और यहाँ देखिए एक गाड़ी शादी के लिए सजी हुई है, और ये प्लास्टिक का फुल परमानेंटली लगा दिया है लोगों ने। दुनिया में जुगाड़ी लोगों की कमी नहीं होती है, क्या जुगाड़ लगाया था देखा ना कार पे। हम इंडिया में तो फ्रेश फूल लगाते हैं, प्लास्टिक का फूल से ही काम चला रहा भाई लोग। उस साइड भी बस स्टॉप बना हुआ है, बस का सिंबल भी दिया हुआ है, लेकिन शहर में तो बस कभी एक दिखा नहीं। किसी से पूछा तो सब लोग बोले नहीं बस तो नहीं चलता है। गजबी फरकीरी है भाई। यहाँ गबाला शहर का पॉपुलेशन कितना पता है, सिर्फ 12,000 जो लास्ट सेंसस हुआ था उसमें, लेकिन अभी तो बढ़ गए होंगे, लेकिन 12,000 के हिसाब से तो शहर बहुत बड़ा दिख रहा है। और चारों तरफ दुकान उकान सब कुछ है, मस्त जगह है वेदर के हिसाब से भी, ऐसे भी घूमने फिरने के लिए भी मस्त जगह एकदम। यहाँ जारा नहीं है, सारा फैशन है। देखिए कपड़े लेने हो तो सारा में जा सकते हैं आप। तो भी 13 का एक और गाड़ी, चलते चलते फिर एक पार्क आ गया। अच्छा है, जगह जगह पार्क बना होना चाहिए और है भी। इतने देर से चल रहा हूँ
पहला मस्जिद देखने को मिला मेरे को गबाला में। चलते आगे एक पेट्रोल पंप पर, मैं बताता हूँ पेट्रोल पंप पर क्या प्राइस है यहाँ पेट्रोल का। तो प्राइस था 1.1 मन्नाथ, नॉर्मल प्रीमियम लेंगे तो 1.6 मन्नाथ। चलते चलते मैं कहाँ आ गया, एक लोकल बाजार में जहाँ पर आप देखें मुर्गा मुर्गी बत्तख वत्तख सब बिक रहे हैं यहाँ पर। तो काफ़ी बड़ा बाजार है, जैसे देहात वहात में बाजार नहीं लगता है उस तरह का बाजार है, सब कुछ यहाँ मिल रहा है। देखिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ, टीवी चाहिए तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं, बगान वगान करते हैं तो। तरबूज बेच रहा है, ये देखिए 0.2 मन्नाथ माने 20 पैसे जैसे कहें उतने का। ये वेंडर है, सब्जी वब्जी सब बेच रहा है। क्या सही बाजार लगा है, साप्ताहिक बाजार है ये। ये देखा सब कुछ मेरा। और यहाँ देखिए अंगूर भी है, फल फूल भी ले सकते हैं, ग्रेप्स राइट। और ये देखिए, अरे भाई ये बाजार साप्ताहिक नहीं है, डेली ये बाजार लगती है और काफी बड़ा दिख रहा है। चलिए मैं एक एक तो घूम के दिखाता हूँ आपको। भाई ये भाई का दुकान देखिए, काफी बड़ा बना रहा है और हर तरह की सब्जियां इसके पास मिल रही है। और ये है इसका ओनर जो गल्ले पर बैठा हुआ है। तो ना यहाँ लोग बड़े अच्छे हैं, मेरे को दो ही, मैं जैसे पहले भी बताया होगा कि अरब इंडिया पाकिस्तान तीन चीज़ें जानते हैं और तीन जगह के ही लोग यहाँ आते हैं। तो सब लोग मेरे को बोलते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान या पाकिस्तान पाकिस्तान। हिंदुस्तान बोलते हैं तो राज कपूर का नाम जरूर लेते हैं ये लोग। ये देखिए ड्राई स्पाइसेस बेच रहा है, जाफरान भी बेच रहा है, पता नहीं जाफरान ओरिजिनल है कैसा है, लेकिन जाफरान बेच रहा है 30 मन्नाथ का। एक कप लेंगे ना 30 मन्नाथ का है, ये 20 मन्नाथ का है और इसका रेट तो ये भाई ने नहीं लिख रखा है। तो माने हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जा रहा था। फूल देखिए सूखे सूखे फूल पत्ते भी इस भाई ने बेच रहा है। चाचा और बुला के बोल रहे कि मेरा वीडियो बनाओ, मेरा वीडियो बना। और ये है उनका दुकान। और फल फूल काफ़ी तरह के हैं, ये देखिए ये भाई जो देख रहा है भाई वही बुलाने लग रहा है। ये देखिए ग्रेप्स, ये देखिए ओके, बड़े मजे ले रहे हैं भाई लोग पूरा दिखाने में। लोग तो बड़े कैमरा फ्रेंडली हैं, एकदम बेहिचक जो देख रहा ना वही बुला रहा है कि भाई मेरे दुकान पे आओ, मेरे दुकान का वीडियो बनाओ। बहुत होती है, देखिए वैरायटी का अंगूर आपको इस जगह पे दिख जाएगा। और ये फल फूल बहुत सारा है यहाँ बना, फल फूल के दुकान थे इस सब जाएंगे ना तो आपके पूरा जैसे घर द्वार का जो सामान चाहिए सब कुछ यहाँ बिक रहा है। हार्डवेयर बोले कपड़ा लत्ता बोले सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। अंदर जैसे मैंने बताया कपड़े का दुकान, हार्डवेयर के दुकान, काफ़ी बड़ा बाजार है ये इस जगह का। और ये देखिए टूल्स भी यहाँ हैं सारे, देखिए कितना बड़ा, इस कोने से मैं दिखा रहा हूँ एकदम दूर तक। और दुकान को भी काफ़ी अच्छे से सजा के रखा है लोगों ने। और ये देखिए धनिया पत्ता का सब कुछ है इस जगह पे, बड़ा आढ़त है ये जहाँ पे थोक पे लोग सामान लेके जा रहे हैं। सारे ट्रक से इन लोगों ने सामान भर के लाया है पूरा। देखिए इधर प्याज है, वाटरमेलन है, और इस साइड में देखेंगे तो टमाटर का होलसेल है, खीरा ककड़ी सब है इस जगह पे। ये देखें अंगूर का होलसेल इस जगह पे है, का होलसेल वाला इलाका जैसे मैंने बताया ना, सारे कुछ हैं, आचार हैं तरह तरह के। हम इंडियंस जैसे अचार खाते हैं ना वो ऐसा नहीं है, ये दूसरे तरह का अचार ये लोग खाते हैं। ये देखिए कोयला भी बिक रहा है, ये देखिए अजरबैजान के झंडे के साथ टर्की का भी झंडा लगा हुआ है। ये इनका बहुत अच्छा रिश्ता है टर्की के साथ, टर्की में गए होंगे ना आपने देखा होगा ग्रैंड बाजार इजिप्शियन बाजार, उसी के तर्ज पर कुछ ये बाजार दिख रहा है। वो तो काफ़ी भीड़भाड़ वाला है, कपड़े के दुकान है यहाँ पर, बच्चों का कपड़े का दुकान। ये देखें भाई ये देखें, इसने तो पूरा जूता चप्पल ही लगा रखा है, बच्चों से लेके बड़ों तक का सबका एकदम। इधर भी है काफ़ी जूता चप्पल, यहाँ तो कुछ सेकंड हैंड भी मेरे को दिख रहे हैं जूता चप्पल।
और ये भाई साहब का दुकान है दोस्तों। तो आपको मटन चिकन की दुकान मिल जाएंगे और उसके साथ सारे पिकल्स, इधर पिकल्स 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 की दुकान आपको दिख रहे हैं। ये देखें, तरह तरह के पिकल्स हैं यहाँ। इस साइड में देखें, बकरे कटे हुए हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे चीज, बटर, मक्खन, ये सब हैं। देखें तरह तरह के। अंडे भी यहाँ बिक रहे हैं। बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो क्यों नहीं बनाया, इनका भी बना लेते हैं भाई। ये भी चीज कुछ बेच रही हैं। सबसे बड़ा बाजार है यहाँ, जहाँ देखा है और देख रहा हूँ या घूम रहा हूँ मैं। ये तो गबाला का ना सबसे बड़ा बाजार है, होलसेल मार्केट है सब चीज़ का, वेजिटेबल्स का, कपड़ों का, फल फ्रूट्स का, सारा कुछ यहीं मिल रहा है और काफ़ी बड़े इलाके में। इस साइड इधर देखें और इधर तक काफ़ी बड़ा है जगह। राशन का दुकान है यहाँ पर, मैंने सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर आएंगे तो, कपड़े लत्ते, खाने पीने, फल फ्रूट सब कुछ। और ये है चाचा, ये पढ़ने निकले, खाता कलम सब कुछ अवेलेबल है इस जगह पे। ये देखिए स्टेशनरी का दुकान है ये। ये लोग कितने परेशान हैं, ये चाचा बेटा दोनों वीडियो बनवाने के लिए। थैंक यू। ये देखिए लोकल साबुने हैं, इंडिया में भी ऐसे साबुन आपको दिखे होंगे कभी ना कभी जो लोकल मेड होते हैं। चलिए अब बाजार में से निकला जाए, नहीं तो मेरी बाकों की बस भी छूट सकती है। लोगों से पूछा कि बाजार का नाम क्या है, शायद लैंग्वेज बैरियर है, मैं ट्रांसलेट करके दिखाया, सब लोग बाजार बाजार ही बोल रहे हैं। शायद ये गबाला में जो जो सबसे बड़ा बाजार है उसको बाजार के नाम से ही ये लोग जानते हैं। तो आप बताइए ये बाजार आपको कैसा लगा, ये अजरबैजान का गबाला सिटी का। चलिए अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी हमको बाकू जाना है। ये पेट्रोल पंप के बगल में एक बागान है, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ सेब के पौधे हैं और उस पर सेब भी है ना। रोड चौड़ी है और रोड के बीच में लाइट पोस्ट भी है, इसका पहले वाले में देखा होगा आप लोग, नहीं था। ये थोड़ा और डेवलप दिख रहा है इस जगह पे। उनका प्राइस शो नहीं कर रहा, जैसे मैंने बताया 1.1 नॉर्मल वाले का रेट है। ये है गबाला का बस टर्मिनल, आप इसे देख लीजिए, आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। आपको यहाँ से ज्यादातर बाको और के लिए बस मिलेगी और दो सिटी के लिए, एक सेकी के लिए, एक और दूसरा सिटी के लिए, ज्यादा बसेस यहाँ नहीं है। अपनी बस जो मेरे को बाको ले जाएगी जो 10 बजे खुलेगी। वैसे तो मेरे को डर ही लग रहा, कहीं गिरा उरा मत दिया। फ्रेंडली है, जो भी देखता है बोलता है मेरा वीडियो बनाओ मेरा। ये लोग बस के ड्राइवर हैं। टर्मिनल के अंदर एक थोड़ा रेस्ट हाउस जैसा है, एक्चुअली यहाँ पर कुछ चाय भी मिल रहा है, अब चाय तो पी सकते हैं। ये जगह दे दिया है, मेरा नेक पिलो देखिए, कारण से ना मेरे को लगता है कि लोग ज्यादा नहीं है क्योंकि गाड़ी खाली जा रही है, क्योंकि वीकेंड में लोग आ जाते हैं और घूम फिर कर शाम को जाते होंगे या क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन गाड़ी तो खाली है, एकदम खाली है गाड़ी एकदम। भाई यहाँ पे लोग तो बस एकदम पंचर है, हमारे ड्राइवर एकदम टाइम पे छोड़ देती है बस। गाड़ी चोरी हो सकती है लेकिन वाईफाई का भी व्यवस्था है जिस गाड़ी में, आप ड्राइवर को पूछे वो आपको रिकमेंड करेगा। भाई इस दिन में ना पहाड़ों पर ना बर्फ जमा है, कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है लेकिन बर्फ तो जमा है। थोड़ा और जूम करता हूँ, दिख रहा है कि नहीं पता ना, वो देखिए बर्फ दिख रहा थोड़ा थोड़ा पहाड़ के ऊपर। फिलहाल हम लोग ने 50% अपना रास्ता कवर कर लिया है। ये जगह पर हर बार ये लोग रोकते हैं और अब रास्ता थोड़ा अच्छा मिलेगा। पीछे तो रास्ता एकदम खराब था, पूरा धूल उल से मुँह हाथ भर गया है, काफ़ी रास्ता आते वक्त खराब मिला और अब इधर जाएंगे तो रास्ता ठीक मिलेगा। अब यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी जाके बाको ही रुकेगी। हमें ना बस वहाँ उतार दी लेकिन एक्चुअली में
बस स्टेशन उस जे रोड को उस साइड है। अब यहाँ से मैं बस पकड़ के जाऊंगा अपने हॉस्टल। तो चलिए हॉस्टल चलते हैं। मेट्रो है, मेरे को दिख भी नहीं रहा था और लोग यहाँ इतना कंफ्यूज कर रहे थे कि बता भी नहीं। चलिए मेट्रो से अब जाते हैं। फाइनली मैं आ गया हूँ अपने इलाके में जहाँ मेरा हॉस्टल है। अब जाके चेक इन करेंगे। ये ब्लॉग को मैं यही समाप्त करता हूँ ये कहते हुए कि पूरा दिन बर्बाद हो गया ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में, क्योंकि यहाँ थोड़ा इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। तो मैं आशा करता हूँ कि ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंटिल देन टेक केयर गाइस, सी यू सून।